जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, होटल स्पार्क को नो वाटर। जलदाय विभाग ने कनेक्शन काट दिया है। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी का यह होटल है, बताया जा रहा है 3,10,000 का भुगतान नहीं किया है। विभाग ने कई बार इस संबंध में नोटिस दिया और जब रेस्पॉन्स नहीं मिला तो वाटर कनेक्शन काट दिया गया। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जलदाय विभाग की कार्रवाई की। होटल स्पार्क पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी का होटल है, 3,10,000 का भुगतान जलदाय विभाग को नहीं हुआ है। सर ये है होटल तो प्रभुलाल जी सैनी जी का है, हाँ पूर्व मंत्री, और इन पे 1,82,000 एक है, 1,28,000 एक बाकी है। तो पिछले 3 साल से तो मैं ही आ रहा हूँ हर साल मार्च में, लेकिन ये जमा नहीं हुई है और अब हमने दोनों कनेक्शन काट दिए। मैं 3 बार आ चुका है यहाँ, नोटिस हर साल दिए जाते हैं लेकिन जमा नहीं हो रहा। एक कनेक्शन पहले से कटा हुआ, एक को आज काट दिया हमने। नहीं ये होटल है इनका, ये स्पार्क इस पे चालू है ये कनेक्शन अजमेर रोड। तो सुना आपने, इस बाइट से ये साफ हो जाता है कि कई बार नोटिस दिया गया, काफी लंबे समय से नोटिस दिया जा रहा था, प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिला और न ही भुगतान किया गया। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी राकेश शर्मा का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, एक कहावत है पुरानी कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, वैसा पीरियड आपने जी लिया, अब तो कोतवाल बदल गए। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, यानी जो मंत्री जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एक समाज एक राजनेता हैं, उन्होंने और पिछले 3 से 4 साल से पानी का बिल जमा नहीं करवाया। मैं इस वक्त उसी होटल जो मंत्री प्रभुलाल सैनी का है उन्हीं के होटल के यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैं सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये अजमेर रोड पर बेस कीमती होटल है और यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट बहुत बड़े पैमाने पर, इस होटल में जो है पानी का उपयोग किया जाता था, जलदाय विभाग के पानी का उपयोग किया जाता था, लेकिन पिछले 3-4 साल से पानी का बिल जमा नहीं करवाया। मंत्री जी को कई बार नोटिस दिए, मंत्री जी ने अपनी रसूख के चलते इस मामले को आगे जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया भी, लेकिन सब जगह जब गया तो जलदाय विभाग के जो अधिकारी हैं, चूंकि बिल जमा नहीं करवाया तो सबने मंत्री जी से पानी के बिल को जमा करवाने के लिए जो है कहा, लेकिन मंत्री जी ने पानी, पूर्व मंत्री जो है प्रभुलाल सैनी, उन्होंने पानी का बिल जमा नहीं करवाया। प्रभुलाल सैनी का यह होटल बताया जा रहा है, इस होटल को जलदाय विभाग ने, इसके 2 कनेक्शन है, एक पर 1,82,000 का बिल बकाया है, एक पर 1,28,000 से ज्यादा का बिल बकाया है। दोनों बिल बकाया होने के कारण आज इसके पानी का कनेक्शन काट दिया है। हालांकि जो पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पर होटल के जो संचालक हैं वो इस बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। चूंकि स्वप्निल, मैं बताना चाहूंगा, ये जिस जगह पर ये होटल है ये बेस कीमती होटल है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर चूंकि रेस्टोरेंट भी है और होटल भी है, तो पानी का उपयोग जो है बहुत बड़े पैमाने पर होता है। अब यहाँ पर जलदाय विभाग ने इनके दोनों कनेक्शन काट दिए, यानी अब यहाँ पानी की सप्लाई नहीं होगी और जो सरकार के नियम है होटल के लिए, व्यवसाय के लिए, उस पर अब इनको अगर पानी की व्यवस्था करना संभवतः कानूनन संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के जो होटल व्यवसाय कारोबार होते हैं वहां पर विधिवत तरीके से पानी का उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि सरकार के नियम है पानी को बचाने के लिए और जो पेयजल है उसको और आगे किस तरीके से बचाया जा सके और होटल व्यवसाय को किस तरीके से सुरक्षित किया जा सके। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें।